तुम लोग तुमसे इस तरह ट्रीट करते हो जैसे मेरी भांजी नहीं इस घर की नौकरानी है। बस तुम्हें तो मौका चाहिए अपनी भांजी की वकालत करने के लिए। लिखा ये लेके जाओ, इस कोर्ट में सुनवाई से पहले फैसला हो जाए, वहां वकालत का क्या काम। गायत्री क्या हुआ बेटा, लगा क्यों रही हो? मेरा एक्सीडेंट हो गया। कहीं चोट तो नहीं लगी? तुम चुप रहोगे? कहाँ थी तू? अरे पहले पूछ तो लो चोट कहाँ लगी। कहा ना तुम्हें चुप रहो करके, कहाँ थी तू? मामी मैं रूपाली के लिए नेल पॉलिश लेने गई थी। नेल पॉलिश खरीदने में इतना वक्त लगता है? मैंने सोचा रात के लिए सब्जियां भी ले चलो। अच्छा और ये है वो सब्जियां, इतनी घटिया किस्म की? हम लोग क्या जानवर हैं इस तरह के खाना खाने के लिए? मामी मैंने ताजी सब्जियां खरीदी थी, लेकिन जब मैं रोड क्रॉस कर रही थी ना तो एक कार ने आके मुझे टक्कर मार दी। बेटा तुमने उसका नंबर नोट किया? बस बस इसके बातों में मत आओ, सब नाटक है इसका। मेरा मुंह मत देख, अंदर जा और आज का खाना तैयार कर। जा बोला ना। एंड डोंट फॉरगेट आज मेरे बालों में मेहंदी लगानी है। पहले मैं ड्रेस आयरन कर देना, मुझे बाहर जाना है। आज मैं नहीं रोऊंगी। मैंने सुना है जिनके माँ बाप नहीं होते तुम उनका ज्यादा ध्यान रखते हो, इसलिए तुमने मम्मी पापा को अपने पास बुला लिया ना। तुम तो बस चुप रहती हो, कुछ बोलती ही नहीं। यमराज तेरे पास आने का काम मेरा ये साला करेगा। विक्रम भी है। ये जो कोई भी नहीं मरेगा मेरे हाथ से। बचपन छोड़ विक्रम दो अब। बच गया यार। Your drink? Would you like to have something, sir? Like to have you, honey. Yeah, jana do se. Kyun? Teri kuch lagti hai kya? Batao. Batao kya lagti hai?
आ गया तुम्हारा बेटा? क्या करूं, मैं मां हूं ना उसकी। फिर भी उसे समझ नहीं पाई? क्या कभी ऐसा हुआ है कि वो 3-4 बजे से पहले घर लौटा हो? उसने मुझसे वादा किया था कि वो जल्दी आएगा। वादा? उसने कितनी बार वादे किए, कसमें खाई, माफिया मांगी, क्या हुआ? दुनिया भर की तमाम गलत आदतें उसे लग चुकी हैं। मैं मानती हूँ, लेकिन है तो हमारा ही बेटा ना। इसीलिए उसे घर से नहीं निकाल सकता। आप परेशान मत हो जाइए, वो कोई बच्चा नहीं है, आ जाएगा। वो बड़ा हो गया है, मैं इसलिए परेशान हूँ रेवती। बच्चा होता तो उसे गोद में खिलाता। विकी, नो, नो विकी, विकी नो, विकी नो। हेलो कविता, वासु। हाँ वासु बोलो। मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। क्या पुलिस स्टेशन? तुम वहाँ क्या कर रहे हो? विकी हवालात में। हवालात में? लेकिन क्यों? तुम बाबूजी को बोलो फौरन आर्थर रोड पुलिस स्टेशन पहुँचे। ओके, मैं उन्हें बता दूँ, लेकिन वासु जेल में समझे ना। और झगड़े में विकी ने रिवॉल्वर फायर किया। तुम बाबूजी से कहो फौरन आर्थर रोड पुलिस स्टेशन पहुंचे। ओके। ओह गॉड, मैं दीदी, मैं पापा से अभी बात करती हूँ। क्या हुआ? कौन पूछा? पूछा विक्की को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। आपको किसे पता चला? वासु का फोन आया था। भैया लॉकअप में है। क्या है ये सब, इतनी रात गए, शोर क्यों मचा रहे? पापा विक्की लॉकअप में है। लॉकअप? क्या हुआ विक्की को? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है मामा, उसका किसी के साथ झगड़ा हो गया और गुस्से में उसने गोली चला दी। दामाद जी कहाँ है? वो भी पुलिस स्टेशन में। पापा आपको वहाँ फौरन, प्लीज वहाँ जाइए, आप कुछ कीजिए ना। तुम शांत रहो, मैं कुछ करता हूँ, बस इसी की कसर बाकी थी। जी नहीं सर, कोई इंजर्ड नहीं हुआ है जी। एक लोकल गुंडा है, हरी नाम है उसका। जी नहीं, दोनों ने गोलियां नहीं चलाई, सिर्फ विक्रम शर्मा ने गोली चलाई सर। जी ठीक है सर, जैसा आप कहें। जी कमिश्नर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। बोलो कृष्णकांत, अब मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? ठीक है ठीक है, विक्रम शर्मा को यहां ले आओ। आप यहां साइन कीजिए। जानता हूं आप क्या कहना चाहते हैं, आई एम सॉरी, बट पूजा कर रही है वो। तुमसे पूछा? अरे ये तो विक्रम शर्मा है। तुम जानती हो? अरे ये तो कैलाशनाथ शर्मा का एक लौता बेटा है।
तुम्हारे रिश्तेदार हैं? अरे नहीं, इस शहर के बहुत अमीर लोग हैं, एक्सट्रीमली लोडेड, यू नो दैट? अब तुम्हारा रिश्ता समझ में आया हो? तुमने कुछ कहा? नहीं नहीं कुछ नहीं। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पेपर पढ़ लूं। तुम जानते हो मैं इसकी बहन को बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ। तुम्हारी किट्टी पार्टी में आती है? नहीं नहीं, हम दोनों एक ही ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। तुम उसे जानती हो? वो तो मैं नहीं जानती। ओ शट अप, उनकी सोसाइटी में कॉन्टैक्ट्स इसी तरह से बनाए जाते हैं। क्या फायदा ऐसे कॉन्टैक्ट बनाने से? तुम्हें नहीं पता चलेगा, तुम अपना पेपर पढ़ो। गायत्री, गायत्री चाय। अरे कहाँ थी तुम, कब से बुला रही हो? सॉरी मामी। अच्छा सुनो, रूपाली और मलिका का ब्रेकफास्ट तैयार करो, ठीक है? मामा जी चाय। क्या कर रही हो? तुम्हें कहा था ना उनको जाकर ब्रेकफास्ट देने के लिए। ओ आई सी, विक्रम शर्मा की तस्वीर देख रही हो? क्यों, लड़का पसंद आया? खूबसूरत है, शादी करना चाहती हूँ? अपनी शक्ल देखी है, इसके घर के नौकर भी तुमसे कई गुना ज्यादा खूबसूरत है। नाउ गो एंड प्लीज डू द वर्क, गो। तुम क्यों हमेशा उसे डांटती रहती? Why don't you just mind your own business? बाबूजी, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार ऐसा नहीं होगा, यही कहना चाहते हो ना? बाबूजी मैं वादा करता हूँ कि अगली बार आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इस बार माफ कर दीजिए ना, ये अपनी गलती समझ गया है। क्यों झूठ बोलकर अपने आप को बहला रही हो रेवती? इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। बाबूजी, बाबूजी प्लीज मेरी बात। विक्रम, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता, और इस बार तो तुमने हद कर दी। कल तक जिस बात को लोग तभी जबान से कहते थे, आज उस बात का चर्चा सरेआम हो रहा है। तुम यहां से जाओ, यहां से जाओ विक्रम, मुझे तुम्हारी किसी बात पर विश्वास रहा ही नहीं। बाबूजी, बाबूजी प्लीज ऐसा मत कहिए। बाबूजी, परेशान ना हो। मैं कैसे परेशान ना हूं रेवती, कैसे परेशान ना हूं? जिंदगी भर मेहनत करके जो मैंने दौलत इज्जत कमाई, मेरा बेटा उसे दोनों हाथों से लुटा रहा। समझ में नहीं आता इसके भाग्य में क्या लिखा है। क्यों ना हम गुरुजी के पास जाकर उनकी सलाह लें, हो सकता है वो हमें कोई राय दे। पंडित जी सब ठीक तो है ना? कैलाशनाथ जी, विक्रम के जन्म के समय क्या आपको बहुत कष्ट उठाने पड़े थे? जन्म के समय तो नहीं पंडित जी, हाँ विक्रम को पाने के लिए हमने बहुत से व्रत, पूजा पाठ, ये सब कुछ किया था, जगराता भी किया। और हमें तो यूं लगता है पंडित जी कि माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद के रूप में ही विक्रम हमें मिला।
पंडित जी, हम लोग विक्रम के भविष्य को लेकर बहुत परेशान हैं। क्या होगा हमारे बेटे का? बहुत सी उम्मीदें लेकर आए हैं, तो उपाय होगा। कैलाशनाथ जी, नियति अटल है, इसे कोई उपाय नहीं बदल सकता। कोई रास्ता नहीं है, एक रास्ता है, आप विक्रम का विवाह कर दीजिए। हमने बहुत कोशिश की कि वो किसी तरह से मान जाए, लेकिन वो शादी के लिए तैयार ही नहीं है। अगर वो मान भी गया तो ऐसे कौन से माँ बाप होंगे जो अपनी बेटी की शादी विक्रम के साथ करने को तैयार हो जाएंगे? सच्चाई से मुंह फेरने से सच्चाई बदल नहीं जाती है। आज तक हम यही करते आए हैं और उसका नतीजा हमारे सामने है। विक्रम के जन्म पत्र में विवाह का योग है, इसलिए वो होके ही रहेगा। पंडित जी, अगर उसके बाद भी विक्रम नहीं बदला तो बेचारी लड़की का। आप चिंता न करें, जिस कन्या से विक्रम का विवाह होगा वो साक्षात देवी का रूप होगी। घर में उसके कदम पड़ते ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सच पंडित जी? यही विधि का विधान है। जैसा आप कहें। कैलाशनाथ जी, आप विक्रम की जन्म पत्री यहीं छोड़ दीजिए, आप अपनी और रेती जी के लेके जा सकते हैं। जी। गुरुजी, आज तक आपने किसी की जन्म पत्री अपने पास नहीं रखी, तो आज ये विक्रम की जन्म पत्री रखने का कारण? जन्म पत्री के अनुसार विक्रम के हाथों उसकी पत्नी की मृत्यु होगी। पत्नी की मृत्यु के पश्चात भी विक्रम विवाहित नहीं होगा। यानी विक्रम दूसरा विवाह करेंगे? नहीं बालक, विक्रम के जीवन में दूसरे विवाह का योग नहीं। ये कैसे हो सकता है? दूसरा विवाह नहीं तो विक्रम विवाहित कैसे रहेगा? बालक, विधि का विधान समझना या समझाना बहुत कठिन है।